आज हम बनाएंगे पनीर चिल्ला, वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, जो कि हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी। ब्रेकफास्ट के लिए ये रेसिपी बेस्ट है, मात्र 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। इस नाश्ते को सब बड़े चाव से खाएंगे, आप इसे जरूर ट्राई करें। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और कीर्ति की ट्विच किचन में आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर ये मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 2 से 3 घंटे पहले ही मैंने ये मूंग का दाल भिगा के रख दिया था। ये छिलके वाली मूंग की दाल है, इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए भिगा के ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। चिल्ला बनाने के लिए हम सबसे पहले पनीर ग्रेट कर लेंगे। किसी भी तरफ से आप पनीर ग्रेट कर लें, मोटी तरफ से या पतले तरफ से। ये लीजिए फ्रेंड्स, पनीर ग्रेट हो चुका है। ये मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब पनीर लिया था। अब हम थोड़े से किशमिश और काजू को बहुत ही बारीक काट लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो पनीर में इसे मिक्स करें, नहीं तो ना करें। अब हम कटे हुए काजू और किशमिश और 2 हरी मिर्च पनीर में डाल देंगे और इसके ऊपर डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर। चिले के लिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। चलिए अब चलते हैं दाल की तरफ। आप देख रहे हैं दाल बहुत ही बढ़िया से फूल चुकी है। इसे हम हाथों से मसल के बढ़िया सा धुल लेंगे, इससे काफ़ी हद तक दाल के छिलके निकल जाएंगे। अगर आप मूंग दाल से ये चिल्ला नहीं बनाना चाहते तो नॉर्मल बेसन से भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा दाल धुल चुका है और काफ़ी हद तक इसके छिलके भी निकल चुके हैं। अब हम थोड़े से पालक काट लेंगे। पालक मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है। और मूंग दाल का 1/2 हिस्सा मिक्सर जार में डाल देंगे और उसमें डालेंगे कटे हुए पालक। पालक डालने के तुरंत बाद ही 3 से 4 हरी मिर्च डाल देना है, थोड़े से अदरक के टुकड़े, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच जीरा। अगर आपको लहसुन खाना पसंद है तो थोड़ी सी लहसुन की कलियां भी ले लें। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीक पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया से ये पिस चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड करके इसे बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए बैटर, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और बचे हुए मूंग दाल को मिक्सर जार में डाल देना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ चुकंदर। सिर्फ 1 ही डालें, ज़्यादा डालेंगे तो जो चिल्ला है उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसे भी मिक्सर जार में डाल देना है। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा और थोड़े से अदरक के टुकड़े और 3 से 4 हरी मिर्च डाल के इसे भी बढ़िया सा पीस लेना है। इसे हम दूसरे बर्तन में पलट देंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करके मिक्स कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 2 तरह की बहुत ही मज़ेदार जो बैटर है वो बन के तैयार हो गया चिले के लिए। आप चाहें तो मूंग दाल की जगह यहाँ पे बेसन भी यूज कर सकते हैं। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कोई भी तवा या पैन और उसमें 1 चम्मच घी डाल के तवे पे बढ़िया सा लगा देंगे और फिर कोई भी बैटर कलछे से ले के तवे पे फैला देना है। उसके चारों तरफ घी डाल देंगे, आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और उसके ऊपर हम 1 चम्मच घी डाल के बढ़िया सा लगा देंगे। इसे हम पलटेंगे नहीं, बिना पलटे ही इसके ऊपर हमें स्टफिंग भर देना है और फिर पलटी की सहायता से बिल्कुल आधे भाग में हम इसे फोल्ड कर देंगे और दोनों तरफ से बढ़िया सा सेक लेंगे। ऐसे पलटे से दबा देंगे जिससे पनीर एक दूसरे से चिपक जाए। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे बढ़िया सा क्रिस्पी कर लें। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार रेड चिल्ला बन के तैयार हो गया। अब हम ठीक इसी प्रोसेस से दूसरा चिल्ला भी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो चिल्ला बनाते समय घी, ऑयल या बटर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिल्ले के ऊपरी भाग पे घी या बटर का ही यूज करें। इससे चिल्ले में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि घी लगाने के बाद हमें ऊपरी सतह को सेकना नहीं है, उसके ऊपर स्टफिंग भर देना है। अब हम ग्रीन चिल्ले के ऊपर भी स्टफिंग भर के इसको आधे आधे भाग में फोल्ड कर देंगे और पलटी से दबा के दोनों तरफ बढ़िया सा सेक लेंगे। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार, सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी
दो तरह के चिल्ले बनके तैयार हो गए। आप इस रेसिपी को जरूर से ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो के नीचे क्लिक करके लाइक, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।